नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जिसको आप आपके डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप शॉपिंग करते हैं और सामान खरीदने के टाइम दुकानदार के साथ बार्गेनिंग करते हैं या फिर आप पैसा लेने का थोड़ा बहुत कंजूसी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी, क्योंकि पूरा वीडियो देखने के बाद ना ही आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी और ना ही आप पैसा लेने के लिए कंजूसी करोगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके शुरू करते हैं इस वीडियो को। टिप्स नंबर वन, जब आप शॉपिंग करने के लिए घर से निकलते हैं तब आप कुछ खाना खाकर ही घर से निकले, क्योंकि जब हम शॉपिंग करने के लिए बाहर जाते हैं तब हमारा कुछ खाने का मन करता है, जैसे कि फास्ट फूड, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वगैरह। तो ऐसे में जब आप घर में पेट भर के खाना खाकर जाते हैं तब आपको बाहर में ये सब खाने का मन नहीं करेगा और आपका कुछ पैसा बच जाएगा। टिप्स नंबर टू, जब आप शॉपिंग करने के लिए कहीं पर जाते हैं तब आप पुरानी हुई पैसे को साथ में मत लेकर जाया कीजिए, क्योंकि हमारा एक आदत होती है कि किसी भी करके जैसे भी हो अपने पार्ट से पुराना पैसा खत्म होना चाहिए। इसलिए बहुत सारे लोग घर में पड़ी हुई पुरानी नोटों से शॉपिंग करना पसंद करता है, लेकिन जब आपके पास नई नोट होगी तब आपका नया नोट खर्चा करने का मन बिल्कुल नहीं करेगा और आपका पैसा थोड़ा बहुत बच जाएगा। इसलिए अगली बार से जब आप शॉपिंग करने जाओगे संभव हो तो आप नए नोटों का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए और आप खुद ब खुद हैरान हो जाओगे कि पहले से आपका पैसा खर्चा करने का मन थोड़ा कम हो गया है। टिप्स नंबर थ्री, जब भी आप शॉपिंग करने के लिए कहीं पर जाते हैं, चाहे वो सुपरमार्केट हो, शॉपिंग मॉल हो या फिर रिटेल दुकान हो, आप हमेशा एक चीज के ऊपर ध्यान दीजिए कि कहाँ कहाँ और कौन सा प्रोडक्ट पर डिस्काउंट, बाय वन गेट वन फ्री, कैशबैक, 50% ऑफ इत्यादि सब लिखा हुआ है। बस आप उसी चीज़ को खरीदने का प्रयास कीजिए, जरूर आपको दूसरे दुकान से कम कीमत पर ही मिला होगा। आजकल बहुत सारा शॉपिंग मॉल ने ये ऑफर देने का शुरू किया है कि 3000 या 5000 रुपये से अधिक सामान खरीदो और 1000 रुपये वापस। तो ऐसे बहुत सारे ऑफर आपको मिलेगा, बस आप दुकान के चारों तरफ देख ले कि कहाँ पर क्या ऑफर दिया हुआ है। टिप्स नंबर फोर, जब आप शॉपिंग करने के लिए कहीं पर जाते हो तब आप छोटे बच्चों को साथ में मत लेकर जाओ। अगर आपका 3 साल से 10 साल के उम्र तक छोटे बच्चे हैं तो आप छोटे बच्चों को शॉपिंग करने के लिए मत लेकर जाओ, क्योंकि जब आपके साथ छोटे बच्चे होते हैं तब आपका शॉपिंग की लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है और आपका खर्चा भी उतनी ही लंबी हो जाती है, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत कुछ मांगना रहता है, जैसे कि टॉयज, बैलून्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए जब छोटे बच्चे स्कूल में होते हैं या फिर कहीं पर घूमने जाते हैं तब आप शॉपिंग करने के लिए जाया करो, ताकि आपका पैसा भी बचे और आप जल्दी भी करा सके। टिप्स नंबर फाइव, जब आप शॉपिंग करने जाते हो तब आप एक चीज़ के ऊपर ध्यान दें कि अगर संभव हो तो आप एकदम सुबह ही शॉपिंग करने जाओ, क्योंकि अगर आप एक दुकानदार की उसी दिन के पहले कस्टमर हो तो आपको ज़रूर किसी भी चीज़ लिखा हुआ दाम से कम कीमत में ही मिलेगा, क्योंकि कोई दुकानदार नहीं चाहता है कि उनका दिन की पहला कस्टमर बिना खरीदे चला जाए। और यदि आपका सुबह जाना संभव नहीं होता है तो आप शाम की उसी टाइम पे जाओ जब शाम में भगवान की आरती होती है, क्योंकि आरती के समय को लक्ष्मी आने का समय मानता है। और ऐसे में जब एक कस्टमर कोई चीज़ खरीदने के लिए कुछ दाम बोलता है तब कोई दुकानदार ना नहीं कहते हैं, चाहे वो उसका लॉस भी हो। यही थी 5 टिप्स आपका पैसा बचाने का शॉपिंग के दौरान, और आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं कि कौन सा टिप्स के बारे में आपको पहले से ही जानकारी होती थी। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड देती हूँ तब आप देख पाए। तो मुलाकात होगी आपसे एक नया वीडियो के साथ, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त देने का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।